Hey guys, what's up? स्वागत है आपका नए एक और वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली है वो वैक्स के ऊपर के कौन सी वैक्स लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, सस्ती कौन सी है, महंगी कौन सी है, उसके ऊपर वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मेरे पास आज दो वैक्स है, एक है अर्बन घबरू जीरो इन्फिटी और एक है MG5। ये तो आपको सबको पता ही है कि कैसी आती है। तो ये दोनों वैक्स का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। पहले तो हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे इसकी प्राइस और क्या है इसकी क्वालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा है एक्वा वाटर, क्रेथिन 23, कॉपर, ग्लूटिन, विटामिन ई, आलमंड ऑयल, ग्लूकोन डिस्ट्रैक्ट, कैंटोन, कोकरा इसमें है। MG5 में तो पता नहीं मुझे क्या क्या डलता है, इसमें थोड़ा लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा है हनी 2.2, एलोवेरा है, कैंड्रोवाइड है, ग्रीन प्लस ऑयल है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, बस मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो वैक्स की बात की जाए तो ये तो सस्ती है और ये थोड़ी महंगी है। मैंने अमेजोन से बाय की थी, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर जाकर बाय करना अगर करनी हो तो। मेरे जो मैं डेली वैक्स यूज़ करता हूँ वो तो यही है। और दोनों वैक्स में से हमारा ये वैक्स क्लेम क्या करती है कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड देती है और ये वाटर रिजनेबल है, और ये वैक्स भी वाटर रिजनेबल है और ये इसका भी होल्ड अच्छा ही है। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा तब तक तो यही बेस्ट है अर्बन घबरू। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से भी कैसा है। यह क्ले क्रीम जैसा आता है, क्ले जैसा देख लो, और ये थोड़ा जेल टाइप में आता है, दोनों आप देख लो। इसमें तो ख़त्म हो गई मैं, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ करता हूँ। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गाइस, कमेंट में बता देना। सो गाइस, अगर सस्ती वैक्स आपको चाहिए तो फिर MG5 यूज़ करना, क्योंकि उसका जो होल्ड है वो बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यूज़ करके भी कि कौन सी वैक्स का होल्ड कैसा है। इसका नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इसका दिखाऊंगा कि इसका तो आपको पता ही है कैसा देती है। अगर इसका भी नहीं मालूम पड़ता तो देख लेना, क्योंकि मैं एक बार एक ही वैक्स यूज़ करूंगा, फिर वापस से धो के वापस से ट्राई करना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा वीडियो में टाइम पास नहीं करते, चलो देख लो क्या क्या। चलिए चलते देखते हैं कैसे इसको यूज़ करने की है। कैसा लगा आपको वीडियो, देख लिया होगा आपको इसको कैसे यूज़ करके। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसका होल्ड भी काफ़ी अच्छा है, पूरे दिन तक तो चलता ही है आई थिंक। और बाल में हाथ बहुत, हेयर में अपना हाथ बहुत मत लगाया करना, नहीं तो इसका होल्ड चला जाएगा। और ये वाटर रिजनेबल भी है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को फॉलो करना, नए नए वीडियो ऐसे भी अपने आने वाले हैं तो प्लीज़ फॉलो कर देना। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर।